करेंगे बलरामपुर जिले की, जहां आज भी कोडाकू जनजाति के लोगों को आज भी भूखे मरने की नौबत आ गई है। जबकि कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, सरकार हर गरीब परिवार प्रवासी मजदूरों को भी राशन देने का फरमान तो सुनाया, लेकिन उसके बाद भी मासूमों को राशन नहीं मिल पा रहा है। मामला वाड्रफ नगर विकास खंड के ग्राम पंचायत भगवानपुर से सामने आया है, जहां आहार नहीं मिलने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। कोरोना महामारी में सरकार से मिलने वाला चावल तक मासूम को नसीब नहीं हुआ और 2 साल के बच्चे की तबियत खराब हुई तो परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने मासूम को काफी कुपोषित ग्रस्त बताया और प्रारंभिक इलाज कर उसे घर भेज दिया गया, जिसके बाद मासूम की मौत हो गई। तो वहीं महिला बाल विकास की माने तो सेक्टर की सीमा विवाद को लेकर आपस में ही कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि ये हमारे सेक्टर में नहीं आते हैं। मेरे को बता भी नहीं किया कि कैसे बनेगा का राशन कार्ड, कि काज काज चीज का जमा करना पड़े। मेरे को बहुत मेरे घर में ही मेरे को सुबह ही होता है ना पहुंच जाते हैं, लापरवाही से ही नहीं बन पा रहा है। सामने में 2-3 बातें आ रही हैं कि पहला तो वो बच्चा कुपोषित था, दूसरा ये कि उसको कुछ दिनों से उल्टी दस्त हो रहा था, तो जिसके बारे में जानकारी लिया गया। तो इसमें ये बात सामने आई है कि सरपंच जो है वो उनको खाना जो चावल है वो आपूर्ति करवाते थे, साथ ही इनका नाम जो है राशन कार्ड के लिए नहीं था तो उसके लिए जोड़ने के लिए दिया गया है। सेक्टर 2 में ऐड किया जाए ताकि इनको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहायता आती है उनको प्राप्त। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चे को कुपोषण से मृत्यु, सर्वे रिपोर्ट दोबारा कराया जाएगा। यदि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र की है, जिस क्षेत्र के कार्यकर्ता को उसको नामित करना चाहिए, पंजीयन करना, तो पूरा मामला वाड्रफ नगर का है। ये सुना आपने, बच्चे के परिजनों को भी और जिम्मेदार की बात कही जा रही है, दोबारा से चेकअप करने की बात कही जा रही है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब जो नाम है वो राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा और जो राशन है वो इस गरीब परिवार को दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि बच्चों की मौत के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और सरकार की योजनाओं का इन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि कुपोषित बच्चा था जिसके चलते बच्चे की मौत हुई है, आहार नहीं मिल पा रहा था और एक बार फिर से जांच करने की बात भी कही जा रही है। तो आपको बता दें कि सीमा का ये जो विवाद पीच फंसता नजर आ रहा है, उसका खामियाजा एक मासूम बच्चे को उठाना पड़ा और बच्चे की मौत हो गई है और जिसके बाद अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये जो इलाका है, ये परिवार है, किसके अंडर आता है। लॉकडाउन के चलते जहां एक तरफ गवर्नमेंट का कहना था कि सभी को राशन दिया जाएगा, हर एक गरीब परिवार जो गरीब परिवार है उस तक राशन पहुंचाया जाएगा, तो वहीं इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो उन तमाम योजनाओं और जिम्मेदारों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।